अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं मोमोज की चटनी। इंडियन रेसिपी है मगर आज हम बनाएंगे पाकिस्तानी स्टाइल में। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है और बर्तन में तकरीबन 3 से 4 कप हम पानी गर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर के हमने क्या करने, उसके 4 टुकड़े कर देने, ठीक है। जितनी आपको थिक चटनी चाहिए उतने आप टमाटर डालते चले जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियोस को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, जब ये तमाम के तमाम टमाटर जो हैं आप इसको कटिंग कर लेंगे तो तकरीबन आपने 4 से 5 जवे जो है आप लहसुन के डालेंगे और बॉईल कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि टमाटरों के ऊपर से जो छिलके हैं वो हमने उतार देने। अब ये देखें, ऐसे करके तमाम छिलके जो हैं हम इसके उतार लेंगे। अब क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि ब्लेंडर लेना है और जो हमने पील ऑफ किए हुए थे टमाटर वो और जो लहसुन था वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छा, इस स्टेप में आपने क्या करना है, शेज़वान सॉस डालना है। शेज़वान सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके भी ज़रूर देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम जब इसको क्या करेंगे, इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, इस पोर्शन पे आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, तकरीबन 1/2 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट में बर्तन लेना है और जो ब्लेंड की हुई जो टमाटर की प्यूरी है वो आप इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा केचप डालेंगे, अगर आपको थोड़ा सा खट्टापन चाहिए तो थोड़ा सा आप सिरका भी इसके अंदर डाल सकते हैं। देन इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे। थोड़ा सा हरा प्याज चाहिए होगा वो हम इसमें कटिंग करके डालेंगे, अगर वो नहीं है तो आप इसमें क्या करेंगे, धनिया डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पका लेना है। फिर क्या करना है कि ये रेडी हो गई है। मोमोज़ के साथ खाएं, चिप्स के साथ खाएं, किसी भी की चीज़ के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब किस्म की ये रेसिपी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।